एक बहुत बड़ा विशालकाय का वट वृक्ष है, जिसको आप लोग बड़ का पेड़ कहते हैं। इसमें फल भी लगते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। वो फल बहुत लाल लाल हो जाते हैं, किंतु जैनाचार्य ने पहले से कहा उस लाल से प्रभावित नहीं होना, क्योंकि उसको यदि खाने की अपेक्षा रखेंगे, उसको फोड़ेंगे तो अनगिनत जीव जंतु उसमें से उड़ जाएंगे। इसलिए निरीक्षण करके, परीक्षण करके अपने यहाँ भोजन पान इत्यादि का वर्णन किया है। तो वह विशाल का एक वृक्ष, उसकी जटाएं चारों ओर फैल गई हैं और कहाँ कहाँ तक दूर तक उसका फैलाव है। उसकी छाया तो बहुत दूर तक व्याप्त है, सब कुछ है। देखने को भी वह सुहावना, हमेशा वह अपने हरी चिमा से सबको आकर्षित करते। ये सब कुछ होते हुए भी आकस्मिक बादल कहाँ से आए पता नहीं, और वर्षा चालू हो गई। आसपास काम करने वाले व्यक्ति भी सोचते हैं कि ये बड़ की शरण ले लें, अन्यथा शरणम आए। और वर्षा धीरे धीरे होते हुए काफ़ी तेज हो गई, उसके साथ साथ झंझावात जिसको बोलते हैं, आंधी जिसको बोलते हैं, जिसके पास आँख न हो वो अंधा कहलाता है, वह भी इसी प्रकार की आंधी नहीं दिख रही है कहाँ से आई कि कहाँ पर जा रही। और इतनी तेज आंधी हो गई, धीरे धीरे वह वड़ का पेड़ झूमता हुआ झूमता हुआ झूमता हुआ गिर जाता, ऐसा गिर जाता सिर के बल पर, और अपने पैरों को ऊपर करके गिर गया। उसमें जो व्यक्ति थे, भैया हमारा बचाव कैसा हो, बच गए वो लोग, फिर भी डर तो उनको था। इसी भी प्रकार से मार्ग निकाल करके उन्हें जो टूट फूट गए थे, वो सारे सारे बाहर आए। भगवान इष्ट का नाम लिया, हे भगवान, इतने बड़े विशाल का एक वट का पेड़ भी हमारे सामने देखते देखते ही गिर पड़े। हम लोगों की पौधा भी नहीं है, हमारी क्या गति होगी, सोच रहे हो आप? मैं बड़ा हूँ, आप बड़ के पेड़ से भी बड़े हैं क्या? किंतु दूसरी ओर दृष्टि गई उन राहगीरों का, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। तो उधर से एक छोटा सा पौधा, दुबला पतला, ये समझे वह उस आंधी को भी
ललकारता हुआ, तुम भी थोड़े बहुत नमस्कार करो धरती की, तो वह धरती का पूत धीरे से उठ करके खड़ा हो गया। सही सलामत, कोई टूट फूट नहीं, और टूट फूट होती हुई दुनिया को उसने देखा, निहारा, और धीरे से कहता है बड़ के पेड़ को, कौन से वेद ने आपको कहा है कि शीर्षासन करने के लिए कोई आयुर्वेद आचार्य आ गए होंगे तुम्हारे? लेकिन ये भी बताया बहुत देर तक शीर्षासन लगाना ठीक नहीं, अब अपने पूर्व स्थिति पर आ जाओ। वो बड़ का पेड़ कहता, हमारी तुम आलोचना भी कर रहे हो, उपहास भी कर रहे हो, नहीं नहीं बड़ों का हम कैसे उपहास कर सकते हैं? ये उपहास कहने की बात नहीं, लेकिन फिर भी बातचीत में पूछताछ की बात है। अब ऐसा करो, आप थोड़े से कमर में ढीलापन आ जाए, तो जब कभी भी ऐसा अवसर आ जाए झुका करो। एक ही साल सुनो, ऐसा नहीं, यहाँ पर तो प्रसंग ऐसे है कि वहाँ हमेशा हमेशा कर तालियां गर्जित हो जा। जब कमर में कसाब जरूर नहीं होना चाहिए, तो दूसरे भी कोई भी योगाचार्य के पास जाओ और वहाँ से ये प्रशिक्षण ले लो। तो शीर्षासन भी चाहिए चाहिए, दंडोत भी चाहिए। आप अच्छे दंडोत दे रहे हो, लेकिन साष्टांग अलग होता है कि शीर्षासन, शीर्षासन में भगवान की वंदना नहीं की जाती, किंतु शीर्षासन से योगासन तो कर सकते, उसके माध्यम से हम शरीर को काया को नियंत्रण में रख सकते। सुनता रहा, अब देखो, अब इसकी बात था कि आपके पास बहुत सारे जड़े होने से आप बहुत सारे खान पीन तो करते होंगे, धरती के पूत होने के नाते ये है कि धरती है, थोड़ा सा बहुत भोजन कर लिया, और देखो ध्यान ध्यान ज़्यादा नहीं बोलो, हमें ही देख करके तुम बोल रहे हो। नहीं बोल नहीं रहा हूँ, वस्तु स्थिति बता रहा फिर वह बड़का पेड़ भी कहता है, देखो हर एक बात जो है आप आलोचना के बात नहीं, कि इतने हम खाते इसलिए ये लोग आते हैं तो इनके लिए घाम लगती है, वर्षा होती है आदि आदि, उसके लिए हम छाया प्रदान भी करते हैं। तुम पत्ते से खा लेते हो, तुम्हारी छाया तो है क्या बता? बड़का पेड़ भी प्रशिक्षित था, उसने ऊपर दे दिया, लेकिन ये तो ध्यान में रखना ही होगा कि हमारा ये अकड़पन दुनिया के सामने आ गए कि हम, हमें उठाने के लिए हजारों व्यक्ति भी आ जाए नहीं उठ सकते हैं, किंतु यह स्वास्थ्य है कितना दुबला पतला है, लेकिन आंधी को भी इसने ललकारा है। आप लोग भी ये समझे, कैसे भी आंधी आई या तूफान, भजन बोलते बच्चे, आगे तो याद नहीं रहा मुझे, बढ़ते जाए, हाँ ये बिल्कुल बढ़ते जाए, लेकिन बढ़ने की तो बात अलग है, उठाने से उठ भी नहीं पा रहे।
बातें करने वाले बच्चे अलार्म की चाबी तो भर देते हैं, लेकिन वो अलार्म बोलने लग जाता है उस समय आप, और बल्कि कुशल बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बटन दबा ले ताकि नींद का झोंका और ले ले। ऐसे में आप लोग हो, उठो उठो उठो, अंगूठे तो है, अरे फिर बिस्तर बांधो, अपने बिस्तर बनना तो है ही, उठने की हिम्मत नहीं तो क्या कर। प्रमाद संसार का बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु। पृथ्वी के पास प्रमाद है। जब हम विद्यालय जाते थे तो कोई भी बच्चा उपवासी कर लेता तो स्वयं भी आलसी हो और अड़ोस पड़ोस में बैठे हुए बच्चे उनके लिए भी आलसी बन रहे, चलो बेटा लेकर के जाता। ऐसा क्यों हुआ? समय पर भोजन किया करो, समय पर अध्ययन किया करो, समय पर विश्राम लिया करो, लेकिन विश्राम की एक सीमा होनी चाहिए। विश्राम तो श्रवण भी लेते हैं, हम चार पाँच दिन पूर्व में कथम से ये कहा था। इसी प्रकार हम लोग अपने कषायों के ऊपर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो वह गिरा हुआ जो बड़का पेड़ है उससे भी आप सीख ले सकते हो, और हमेशा हमेशा उस प्रकार का प्रमाद नहीं करने रूप आप पुरुषार्थ में कर सकते हो। ये हुआ एक मार्ग। सारे सारे जितने भी मुक्त हुए हैं उन लोगों ने इसी प्रकार के दृश्य को देख करके ही अपने आप को संभाला, और हमारी गति ऐसी है अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। दूसरे के लिए देखो तुम गिरते हुए हमने पकड़ लिया, नहीं तो कहाँ पर चले जाते पता खाओ, हम अकेले चले जाते हैं, तुम्हारी हाथ पकड़ कर तुम मुक्त अकेले चल जाए हम। तुम भी देखा करो, दो व्यक्ति मिलने के उपरांत काम डबल होना चाहिए। एक दूसरे की टांग लड़ा लोगे तो फिर पक्का है। कुश्ती खेलने वाले टांग तो अड़ा नहीं लेकिन स्वयं बच जाते, तो दूसरे को वह हरा सकता है। उसी प्रकार प्रमाद से ही हार गए, उस प्रमाद से जो है मोक्ष मार्ग में हमेशा हमेशा हार ही हाथ लग जाती। और जैसे भी व्यक्ति अप्रमत्त होकर के काम करते हैं उनका काम बहुत आगे आगे बढ़ता चला जाता। योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाना अलग वस्तु, किंतु योजना पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ना अलग वस्तु। आगे बढ़ना आगे बढ़ते चले यहाँ, लेकिन आप यदि बैठ रहे हैं तो लोग कहेंगे ये भजन काय के लिए है, ये गीत कहाँ से, यहाँ पर अप्रासंगिक है। प्रमादियों के सभा में कभी भी ज्ञान की या अप्रमत्त अवस्था की बात शोभा नहीं है। किसको सुना रहे हो आप? इसलिए हमारे यहाँ सुनाने का कार्यक्रम कम है, बल्कि यूँ कहना चाहिए श्रमणों के लिए कुछ समय के लिए उपदेश के लिए कहा है, बाकी जितने भी हैं उनके लिए स्वयं का सत्कर्म करो, और इसके साथ साथ दूसरे भी करना चाहता है तो उसको प्रेरित करो, कुछ बातें उसको सिखा सकते हो, लेकिन अपनी बात को सीखे बिना उनको सिखाना चाहते हो तो कोई भी व्यक्ति सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। तो वे
उस बड़ के पेड़ को आज बेत के पेड़ ने अच्छा उद्बोधन दिया, लेकिन उस उद्बोधन को स्वयं ने से अपने जीवन में स्थान देते हुए, यह हमने बहुत दिन पहले पढ़ी थी, आप लोगों को देख करके याद आ गया। अहिंसा परमो धर्मः।